मैं ठाकुर भयंकर सिंह व विक्रम सिंह को करूंगी तंग और मैं बचाऊंगी अलाना अलाना। बापू इसी फसल का तो सहारा था, हाँ बिटिया है फसल, आज भगवान ने वो भी छीन लिया लिया बिटिया। सोच रहा ठकुरन क्या कर जाओ दे दे ठकुरन कर जाओ नहीं दे पा बापू। हाँ बिटिया बात कर्जे की नहीं है, बात तो ये है कि तुम्हारी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, दवा के पैसे कहाँ से आएंगे बापू? बिटिया को पैसा तीर। लेकिन बापू हाँ बिटिया आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि इंसान के पास उसकी ताकत होती है हिम्मत। बापू अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये बिजली जीते जी मर जाएगी। बापू भगवान जिसको जितने में रखता है उसे उतने में ही रहना पड़ता है, उसकी मर्जी बिना यहाँ का पत्ता नहीं हिलता है। ना हिलती बेटिया। बापू अब तुम्हारी बेटी बिजली छोटी नहीं बल्कि सियानी हो गई है, मैं खुद मेहनत करूंगी मजदूरी करूंगी ताकि घर का चूल्हा भी जलेगा और तुम्हारी दवाई के पैसे भी आएंगे। बापू आई रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं, हाय उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, अरे रब जो चाह है वही तो होना है, रब जो चाह है वही तो होना है आदमी खिलौना। अब मुझे जिंदगी भर रोना है, अब मुझे जिंदगी भर रोना है आदमी साथ। अब आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं और जिनका नाम है इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। इंस्पेक्टर विजय चौहान सिंह की पत्नी जिनका नाम है किरण देवी। किरण देवी माता के दरबार में जा रही पूजा करने के लिए, जय माँ विष्णु देवी के दरबार को जा रही है पूजा करने के लिए, अपने पति के लिए और अपने देवर के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए जा रही पेश होती है जिनका नाम है इस पटर करुण। शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा ही नाम किरण सिंह चौहान है, मैं इसी रतनपुर गांव में रहती हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ तीन सदस्य हूँ, एक तो मैं और एक हमारे स्वामी जिनका नाम विजय सिंह चौहान है और एक मेरा देवर है जिसका नाम सूरज सिंह चौहान है। कहने को तो वो मेरा देवर है पर मैंने उसकी परवरिश अपने बेटे से भी बढ़के की है। आज मैंने देवी माता से ये मन्नत मांगी थी कि जब हमारे स्वामी की कहीं अच्छे जगह पोस्टिंग हो जाएगी तो मैं माता जी के दर्शन को जरूर जाऊंगी। आज माता रानी ने मेरी फरियाद सुन ली है और हमारे स्वामी की पोस्टिंग इसी जिला गाजियाबाद में हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, सामने देवी जी का मंदिर है, पहले पूजा करूंगी फिर अपने स्वामी जी से मिलूंगी। और लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली तेरी आरती
उतारू भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों के वारू भोली माँ, ओ माँ हो माँ। ज्योतमणि की जगाली तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों के वारू भोली। इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की पत्नी जिनका नाम था किरण देवी, माता जय मां विष्णु देवी माता के दरबार में गीत गाते हुए और अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। और इसी के साथ अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, यू आर वेलकम। बैठे हुए अतिथियों, आई हुई माता बहनों, इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार व जय हिंद जय भारत। दूरदराज डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर सरजमी गाजियाबाद थाना रतनपुर में तैनात थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। दोस्तों हमारा निवास स्थान शहर सुल्तानपुर में पड़ता है, लेकिन शहर सुल्तानपुर से हमारा ट्रांसफर जिला गाजियाबाद थाना रतनपुर में हुआ। लेकिन इन्हीं बातों के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने परिवार के विषय में बता देना चाहूंगा कि मैं अपने परिवार में सिर्फ तीन लोग हूँ। एक तो मैं जो इस देश का जाबाद पुलिस अफसर कहलाता हूँ, और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है सूरज सिंह चौहान, और मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम है किरण, एडवोकेट किरण सिंह चौहान। दोस्तों काफी समय हो गया, लेकिन क्या बताऊं हमारी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं किरण को आवाज लगाता हूं। अरे किरण, स्वामी पाय लागू स्वामी, स्वामी और स्वामी जी के चरणों में,
हरि स्वामी जी के चरणों में अरि बसे स्वर्ग हमारा जन्म हो तो तुम्हारी जैसी ही धर्म पत्नी मुझे मिले। स्वामी आज मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत समझती हूँ जो हमें इतना प्यार करने वाले स्वामी मिले। स्वामी मैं दिन रात यही दुआ किया करती हूँ कि जहाँ आपके कदम हो वहीं हमारी मंजिल हो। हमारी इन्हीं बातों के साथ साथ मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्वामी? किरण तुम मेरी अरिधा तुम मेरी अरिधागिनी और तुम जी बन चाहे ना कुछ। और स्वामी इसी के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मैंने देवी जी से ये मन्नत मांगी थी कि जब आपकी कहीं अच्छे जगह पोस्टिंग हो जाएगी तो मैं उनके नंगे पांव दर्शन जरूर जाऊंगी। आज देखो माता रानी ने हमारी मन्नत पूरी की है। आपकी पोस्टिंग जिला गाजियाबाद में हुई है, इसी के लिए देवी माता का प्रसाद भी लाई हूँ। और मैं पहले आपकी नजर उतारूंगी फिर आपको प्रसाद भी दूंगी। पहले किरण ये बताओ, हाँ हाँ, अभी तक तुम्हारा लाडला देवर सो रहा होगा? अरे आपको क्या लगता है हमारा देवर सो रहा है? वो तो कब का उठ गया है, कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है। आप बैठिए मैं उसे बुलाती हूँ। बेटा सूरज देखो तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, जल्दी से आओ। और भाभी माँ के चरणों में और बेटे का परिणाम भैया
तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम हमारे भाई नहीं बल्कि एक बेटे की समान से हो। सूरज, अगर मैं तुम्हें दुआ नहीं दूंगा तो कौन देगा? हाँ भैया। और सुखी रहो फूलो और सुखी रहो फूलो फलो और मेरे दिल के चाहिए कि तुम जब 5 वर्ष के थे तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हाँ भैया। इसलिए तुमको मैं भाई नहीं बल्कि अपने बेटी की तरीके से मानता हूँ। क्यों नहीं भैया? लेकिन आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, घबराइए मत सूरज सिंह, तुम्हारा भाई ऐसा वैसा सवाल नहीं पूछेगा जो हमारे सवाल का हमारा भाई जवाब ना दे सके। अरे भैया, आपसे क्या घबराना। और पढ़ाई की क्या, और पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? पढ़ाई का क्या भैया? पढ़ाई के विषय में पूछना चाहते हो? अरे आपने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं, अगर आज पूछा है तो ये आपका भाई जरूर बताएगा। क्यों नहीं भैया? भैया, और पढ़ाई करूं, और पढ़ाई करूं जितनी चाहे भैया, का परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है मेरे भाई। अरे तो बहुत अच्छी हुई बात है, क्योंकि मैं तो भी यही चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं इस देश का जाबाज पुलिस अफसर हूं और तुम्हारी भाभी एक एडवोकेट है, मैं सोचता हूं अगर तुम पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बन जाओगे तो हमारे जो शहर सुल्तानपुर में गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा। क्यों नहीं भैया? भैया लेकिन आज मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? आज मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता हूँ। कॉलेज जाना नहीं चाहते हो, पर क्यों? मैं गाजियाबाद का मैं मार्केट घूमना चाहता हूँ। मार्केट घूमना चाहते हो? हाँ भैया।
तुम्हें, अरे स्वामी आज वो कॉलेज भी कैसे जाएगा, तो संडे है, संडे को थोड़ी ना पढ़ाई होती है। अच्छा मैं तो भूल ही गया, लेकिन अगर तुम गाजियाबाद की मार्केट को टहलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। कौन सी नसीहत देना चाहते हो? देखो भाई, हमारा जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता है मैं तुम्हें वहाँ वहाँ अपने साथ लेकर जाता हूँ। क्यों नहीं? ये गाजियाबाद हम लोगों के लिए एक नया शहर है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ घूमने के लिए तुम जाओगे, लेकिन ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जो मजबूरन मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा। आपकी नसीहत सर आंखों पर भैया। तो आपकी मैं नसीहत न भूलू कभी, न चलूंगा कभी भी गलत रास्ता। अच्छा लो ये नमस्ते, मैं चल रहा। अच्छा लो ये नमस्ते, मैं चल रहा। देखते होंगे मेरा जो तो जाओ स्कूल को ये थाने को हुए रवाना हुआ, और रतनपुर का चार्ज है हमको। है रतनपुर का चार्ज हमको, जाओ सूरत टहलने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे समाज में हमारा सर नीचा। अरे नहीं भैया, जब से हमारे माता पिता का साया हमारे सर से हटा है। अरे ये सब छोड़ो यार, ये बताओ तुम्हारे पास जेब खर्च के लिए पैसे हैं या दूं? अरे भाभी माँ, ये तो मैं तो भूल गया, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जाओ मेरी 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 अलमारी से जितने चाहे पैसे ले लो जाके, और देखो कोई कंजूसी मत करना, अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छी अच्छी शॉपिंग करना, और खाने पीने में भी जरा सा ना हिचकिचाना, ठीक है? जाओ, बहुत देर हो गई है। भाभी माँ क्या बात है, जब से हमारे माता पिता का साया हमारे सर से हटा है, हाँ हाँ, आप लोगों ने कभी भी माता पिता का मुझे एहसास नहीं होने दिया। अभी बढ़कर तुझे प्यार किया है। क्यों नहीं भाभी माँ? भैया और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु स्वामी। देखो आज हमारा देवर कितना होशियार हो गया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है, और बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। आखिर वो भाई किसका है? अरे परवरिश किसकी है? सही कहा, लेकिन यार आज तुम कुछ ज्यादा लेट नहीं मार रहे हो। हटो जी, मस्का मत मारो। हाँ मस्का क्यों नहीं मारू? दिन रात जब देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, हटो, मैं तुमसे भाई हमसे क्यों नाराज है? नाराजगी का कारण बताओगी?
किरण तुम तो जानती हो ये पुलिस की नौकरी ही ऐसी है, नहीं तो खाना खाने पी की फुर्सत, नहीं नहाने की फुर्सत, दिन रात गुंडे मवालियों के पीछे पड़ा रहता हूँ। मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार किया करती हूँ कि अब टाइम मिले अब टाइम मिले, और तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता। ए अगर सारा दिन काम करोगे, सारा सारा दिन काम करोगे तो राजा जी प्यार कब करोगे? अरे तुम्हारे कहने का मतलब ये रहा कि ड्यूटी से मैं घर पे टाइम पे नहीं पहुँचता हूँ। हाँ देखो मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम ड्यूटी ना जाओ, पर देखो ना आज मौसम कितना आशिकाना है। लेकिन तुम्हारे सपने तो हमें रोज आते हैं। अगर अगर हमारे सपने आते होते छी, अगर हमारे सपने आते होते तो यूं दूर दूर ना होते, हमारे गले से लग जाते। और नहीं तो जिसके सपने हमें तो आते नहीं।